आईपीएल सीजन 16 का 17वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के एमवी चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 172 रन बनाए और 3 रनों से मैच हार गई। मैच के आखिरी ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने जबरदस्त बैटिंग का नजारा पेश किया, जहां धोनी ने 17 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 32 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 15 गेंदों में 25 रन बनाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ओपनिंग करने उतरे बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे सबसे अधिक 50 रन बनाए। कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। डेवॉन कॉनवे ने अपनी 56 चौकों की मदद से पूरी की। वहीं राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और चहल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि संदीप शर्मा और एडम जाम्पा ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य दिया। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की ओर से सबसे अधिक रन जॉस बटलर ने बनाए। बटलर 36 गेंद में 52 रन बनाकर गए। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट और मोइन अली ने 1 विकेट लिया।